बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज मैं करने वाली हूँ लुबनास वंडर वैक्स हेयर रिमूविंग वैक्स पे रिव्यू, और कल मैंने किया था जूनी ब्यूटी क्रीम पे रिव्यू। इस क्रीम की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी। अगर आप इस क्रीम का रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसको वॉच कर सकते हैं। ये एक स्किन वाइटनिंग क्रीम है। अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है लुबनास का वंडर वैक्स। ये वैक्स आप हैंड्स, फीट्स और आपको मतलब अंडर आर्म्स वगैरह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये फेस वैक्स नहीं है। इससे पहले मैंने एक वैक्स किया था, वो था फिंगर वैक्स। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इतना ज़्यादा पेनफुल भी नहीं होता। सबसे पहले मैं इसको खोलती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। बहुत सारे लोग तो इस वैक्स को देख ही चुके होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए ये एक नई वैक्स है। तो ये इसमें एक पम्फलेट मौजूद है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं फीट्स पर, और इसको स्ट्राइप्स के ज़रिए यूज़ किया जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं, आप इसको स्ट्राइप्स के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइप्स मार्केट से इजीली मिल जाती है किसी भी कंपनी की। उसके अलावा आप इसको जो है वो, अगर आपके पास पुराना कोई जीन्स पड़ा है तो उस जीन्स के इसी तरह से इतने पीस को काट कर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी है। ये गुड़ की वैक्स होती है और जो फिंगर वैक्स होती है वो शुगर वैक्स होती है। अगर आप फिंगर वैक्स का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी मैं चैनल पे कर चुकी हूँ, और वो वैक्स तो बहुत ही अच्छी है, विदाउट पेनफुल है। उस वैक्स को रिव्यू को देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस वैक्स को मैंने आपको खोल कर दिखाया, साथ ही मैं आपके इसको फ़ायदे बता देती हूँ। ये आपको पेनफुल तो होती है, लेकिन इससे बाल जो है वो थोड़ी देर से आपके ग्रोथ होते हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं होते, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं हेयर ग्रोइंग होने में। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं फिंगर वैक्स तो फिंगर वैक्स से जो है 15 दिन 16 दिन में बाल आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस वैक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ी सी पेनफुल होती है, लेकिन इसके इस्तेमाल से आपके हेयर जो है वो एक महीने के बाद जो है वो आना शुरू होते हैं। नॉर्मली इसके फ़ायदे यहीं पर हैं, यही है। लेकिन आपको ये होता है कि आप क्रीम वगैरह लगाने से बच जाते हैं, जो आप हेयर रिमूविंग क्रीम लगाते हैं उससे बच जाते हैं। आप इसे हर जगह यूज़ कर सकते हैं, बिकनी एरिया पर भी यूज़ कर सकते हैं, अंडर आर्म्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे हैंड्स, फीट्स, लेग्स सब जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वैक्स आपके हेयर को अच्छे से रिमूव कर देती है, बट परमानेंटली आपको रिमूव नहीं करती है। और फिंगर वैक्स भी अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी परमानेंटली जो है वो आपको हेयर को रिमूव नहीं करती। आपने इसको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने इसको स्टिक या स्पून की मदद से, प्लास्टिक स्पून की मदद से जो है आपने जहाँ रिमूव करने हैं वहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद जीन्स के कपड़े की मदद से या स्ट्राइप्स की मदद से आप इसको उतार सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है, ये आपको मार्केट से ईजिली 60 रुपीज़ 50 रुपीज़ के अराउंड जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट मौजूद है और यहाँ पर इनकी वेबसाइट और फेसबुक पेज भी मौजूद है। साथ ही साथ अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर आपको कुछ ऑनलाइन बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन बाय करना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। बाहर निकलने का इतना ज़्यादा सबके पास टाइम नहीं होता, आजकल लाइफ इतनी मसरूफ़ हो गई है कि लाइफ बिजी हो गई है कि हम बाहर निकल ही नहीं पाते। सो मैंने आपको बता दिया है कि इसकी प्राइस भी बता दी है, इसके बेनिफिट्स भी बता दिए हैं, और साथ ही साथ अगर आप इसको गर्म करके लगाएंगे तो इससे आपके हाथ भी जल सकते हैं। लेकिन इससे बेटर वैक्स फिंगर वैक्स है, इससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो फिंगर वैक्स आप एक बार ट्राई करके देखिए, रिव्यू का मैंने आपको बता दिया है, एंड स्क्रीन में भी उसकी वीडियो मैं लगा दूंगी ताकि आपको जो है वो मिल जाए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको ये भी बता दिया डिफरेंस के दोनों वैक्स कौन सी अच्छी है। सो ये तो बिल्कुल आप नॉर्मल ऐसे समझ लीजिए, अगर आप पार्लर में वैक्स करवाते हैं तो आपके पैसे ज़ाया ही होते हैं। आप घर में 50-60 रुपए में वैक्स कर सकते हैं, अपने हैंड्स भी और फीट्स भी काफ़ी टाइम तक आपको चल सकती है, 2 महीने तो एटलीस्ट चल ही सकती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवालात हैं, आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, हो सकता है अपकमिंग वीडियोज़ आप ही की रिकमेंडेशन पर बनाई जाए। कल हम करेंगे हिमानी की मैन वाइटनिंग क्रीम के ऊपर रिव्यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसके ऊपर, बॉयज़ की जो है वो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मौजूद थी। तो इंशाल्लाह कल हम इसके ऊपर रिव्यू करेंगे, इसके रिव्यू को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप इसके रिव्यू को मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ बेल बटन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।